विद्यार्थी को सन्यासी की तरह रहना चाहिए। पर अपना समय किसी को मत दो फालतू में। खाली सुन के मुस्कुरा नहीं सकता कोई यार। कमजोर है तो सर झुका लेगा। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष प्रभु की ले ना सका। शाही वर्ग के पास दो ही काम है, प्रशासन और प्रेम। जय हिंद फ्रेंड। सिंपल कपड़े पहनो, सिंपल रहो और सारी एनर्जी लगा दो पढ़ाई पे। देखो क्या होता है साल भर बाद। साइकिल पे चलो 10 किलोमीटर के रेंज में, अगर तुम्हारा काम है साइकिल पे चलो, पेट्रोल के पैसा जो बचे जूस पी लो। तुमको कौन देख रहा है बाइक पे जाते हुए, इतना बड़ा बड़ा बाल रख के ऐसे हिला रहे हो चड्ढा की तरह, तुमको देख ही कौन रहा है। विद्यार्थी को सन्यासी की तरह रहना चाहिए। हाँ तुम ठेकेदार हो वो अलग बात है, तुम बिजनेसमैन हो वो अलग बात है, वो अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन तुम स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट। अरे ट्रिमर आता है 2-1500 रुपए, 1000 रुपए का ले लो, बाल छोटे छोटे कर लो यार, कैप लगा लिया करो, शैंपू का पैसा बच गया तुम्हारे, प्राणायाम करो चेहरा वैसे ही चमकने लगेगा तुम्हारा, लॉरल क्रीम प्रीम का पैसा बच जाएगा, ये सब पैसा ही तो बचेगा। 10 किलोमीटर की रेंज में साइकिल से चलोगे तुम्हारा पेट्रोल का पैसा बचेगा। सरलता से रहो। अब तुम्हारा दोस्त ठेकेदार है, बुलेट पे चल रहा है, उसे चलने दो। अपनी साइकिल के आगे लिखा लो ब्लूटूथ कि मुझे खुद से जुड़ना है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, शरीर मजबूत रखेगी, बीपी नहीं बढ़ने देगी, शुगर नहीं होने देगी। अब साइकिल लेके नेशनल हाईवे पे मत चले, तुम चीजों को उल्टा लेके चले जाते हो। साहू जी और मुलायम सिंह यादव जी में एक फर्क था। मुलायम सिंह यादव बहुत समझदार आदमी, बहुत बहुत समझदार और महान। 20वीं शताब्दी के दौर में उनके जैसा नेता असंभव। किसी को भी गले लगा लिया, किसी को भी, कोई भी मिलने जाता था कंधे पे हाथ रख देते थे, ऐसा लगता था कि जैसे अरे भगवान। मान लो हम मिलने गए, हम सामान्य घर से, हमारे कंधे पे हाथ रख दिया सीएम, हमारा तो सीना फट के 500 इंच का हो गया। देखा उस व्यक्ति को भाव समझ में आता था। मैंने सुना किसी से उनकी धोबी की शायद दुकान जल गई, नया दुकान, उनके बारे में मैंने सुना बहुत सारी बातें, तो मैंने सुनी कि कोई अगर उनके घर पे गया तो किसी को निराश नहीं किया उन्होंने। मैं व्यक्तित्व के समझदार आदमी, बहुत समझदार, उन्हें लगा कहीं बालाजी विश्वनाथ, शायद हिस्ट्री पढ़ाओ टीचर थे ही, तो उन्हें पता कहीं अमर सिंह बालाजी विश्वनाथ ना बन जाए, हमसे ज्यादा ताकतवर हो जाए। तो जब अमर सिंह की ज्यादा औकात बढ़ गई, बाहर कर दिया। ये काम शाहू जी नहीं कर पाए। अपना समय किसी को मत दो फालतू में। पर अपना समय किसी को मत दो फालतू में, पैसा दे दो। लेकिन इस देश का आदमी पैसा देने को तैयार नहीं है। मोदी जी ने समय खुद को दिया, पैसे पे ध्यान नहीं दिया। पूंजीपति होते किसी मॉल के मालिक होते, समय खुद को दिया। प्रधानमंत्री, कोई व्यक्ति को किसने परेशान किया? रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने, दोस्तों ने। तो कृष्ण किससे परेशान है? कंस से, शिशुपाल से। वो शिशुपाल बुआ का लड़का गाली दे रहा है, गाली दिए ही जा रहा है, मुस्कुरा रहा है भगवान। इसीलिए तो भगवान है, जो गाली सुन के मुस्कुराए वो भगवान। यही सब तो है भगवान की परिभाषा, जो गाली सुन के मुस्कुराए वो भगवान, और मुस्कुराता ही जाए। गाली सुन के मुस्कुरा नहीं सकता कोई आदमी,
कमजोर है तो सर झुका लेगा, फिर चेहरे पे उसके भाव आ जाएंगे। ताकतवर है तो पलटकर गाली देगा, मुस्कुराना। निकाला 9mm की पिस्टल, टाक टाक 100 गोली, दाग दिया उसके सीने में 10-15 गोली। ये भाई इतना गाली दोगे? अरे दो चार दे लिए थे, अब जाओ। टोक भी रहे उसको। मजेदार बात ये देखो कि प्रभु उसको टोक भी रहे हैं कि शिशुपाल तुम्हारा कोटा पूरा हो रहा है, शिशुपाल ठोकेंगे तुमको अभी। मान ही नहीं रहा है, देखो बदतमीजी उसकी, और प्रभु की महिमा देखो, टोक रहा है कि अबे 99 दे लिए, अब चुप हो जा, बाद में देना। राधे राधे, क्या बात है। हम वही खुशी से खाएंगे, परजन पर आसी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष प्रभु की ले ना सका। कृष्ण को आदर्श बनाओ, कृष्ण को, शिशुपाल को मत बनाओ। शिशुपाल को बनाओ, किसी दिन किसी कृष्ण के सामने पड़ जाओगे, 10 गोली डाल देगा अंदर। दो न्याय अगर दो आधा दो, और उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो सिर्फ 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष प्रभु की ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। मानव का जन्म मिला है, कुछ अच्छा करो, क्रिएटिव कुछ तो बना के जाओ। इनके ऊपर एक मूवी बनी थी मस्तानी, क्या दिखाना था क्या दिखा रहे हैं। प्रेम किया, अच्छी बात है, प्रेम किया तो खैर कोई बात नहीं, प्रेम में कोई बुराई नहीं है। शाही वर्ग के पास दो ही काम है, प्रशासन और प्रेम। जिसने भी शक्ति इकट्ठा कर ली वो दो ही काम करेगा, या तो प्रशासन लेगा या प्रेम करेगा। भिगमंगे ना तो प्रशासन कर पाएंगे और ना प्रेम कर पाएंगे। बाजीराव वन फाइटिंग पेशवा, और तलवार उठाना जरूर। और तलवार उठाना जरूर। दो न्याय अगर दो आधा दो, और उसमें भी अगर आधा हो तो दे दो सिर्फ 5 ग्राम। जय हिंद फ्रेंड्स।